अस्सलाम वालेकुम अजीज़ अनमन, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं जी। हम लोग इस वक्त हैं सेशन हाउस, ये बिल्कुल पीछे है सेशन हाउस, दूसरी तरफ ये वाला, ठीक है। तो हम लोग हैं सर्कुलर रोड बहावलपुर में, मार्केट देखी हमने मोबाइल की और मेरा दिल किया कि मैं आपको भी यहाँ की सैर तफरी कराऊँ। तो एक्चुअली करना तो चाहिए ना, तो बस कुछ इस तरह से तेरी पलकें मेरी पलकों से सजा दे, मेरी पलकों से मिला दे, सॉरी। तो हम लोग हैं ये चौक फवारा सीधा निमन। हम लोग, मैं आपको बताता हूँ ये देखें, कहीं पर रोशनी है तो कहीं पे गुप अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। तो जैसे ही जनाब मुझे पता चला कि मैं कौन से चौक में हूँ, तो जनाब मैं आपको बताता हूँ। तो इससे आगे तो मुझे पता है कि कौन सा चौक आएगा, लेकिन आई थिंक इसका मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो इससे आधा किलोमीटर आगे है, ठीक है। तो मैं जनाब कहाँ पे हूँ। तो जी हर दिल की चाहत 1978 प्रेजेंटेशन बाद का सेम। तो हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? हाँ जी, जो मैं कह रहा था वही है, जो मैंने कहा था ना, ये वही चौक है, यानी कि चौक फवारा। इसे आ गया है सराइकी चौक। तो मैं जी आज बहावलपुर में आया था। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रियल दिखाऊं, जो भी दिखाऊं। तो आज मैं बहावलपुर में आया था, तो अभी जो है वो शाम है, तो शाम है सुहानी। तो यहाँ पे अपना लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि बहावलपुर का जो मौसम है वो बिल्कुल अच्छा है, यानी कि ना इतना ठंडा मौसम नहीं है। तो जो हमारे उधर गांव का मौसम है तो वो थोड़ा, आपको पता है, तो वो यानी कि ठंडा भी हो जाता है रात को। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे चोलस्तान है, तो दूसरा ये है कि यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो है बहावलपुर से हमारे घर तक का वो है 150 किलोमीटर। तो इसी वजह से थोड़ा सा अपना मसला पेश आता है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, ये PSO पंप है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो ये मैं मार्केट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, साथ में देखते चले जाएँ। क्योंकि आज जो है ना, मेरा वैसे ही दिल कर रहा था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ और ऐसे ही आपको दिखाता चलूँ, ठीक है। ये बहावलपुर है जी, और हम बढ़ रहे हैं सराइकी चौक की तरफ, ठीक है। तो ये मंकी, ये मंकी वाला जा रही है, मंकी जा रही है। तो जनाब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं चौक की जाना, यानी कि सॉरी मिलाज चौक की जाना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये निज़ाम बैंक आ गया, पहले पीछे होता था, वहाँ से इन्होंने ये चेंज कर लिया। तो ऐसे ही ये देखिए ना, ये बड़ा मज़ेदार, बड़ा ही प्यारा शहर है, नवाबों का शहर है। और यकीन कीजिएगा, मैं आपको सच्ची बात करूँगा, झूठ बोले कवा काटे काले कवे से डरियो। तो मैं आपको सच्ची बात बोलूँगा कि ये जो बहावलपुर है ना, यकीन कीजिए सफाई के लिहाज से इतना ज़बरदस्त सिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने बहुत सिटी देखे हैं, लेकिन तमाम सिटी से ये जो डिवीज़न भी है यहाँ पे, आपको पता है कि जो यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो बाकी अच्छा सिटी है, बहुत ही सफाई क्लास है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये नहीं है कि एक रोड है, आप जिस रोड पे मर्ज़ी चले जाएं, ठीक है, जिस रोड पे भी आप चले जाएं, मर्ज़ी चले जाएं, आपको सफाई के लिहाज से बहावलपुर सिटी अपनी मिसाल आम है, ठीक है। सफाई के लिहाज से बहावलपुर सिटी जो है वो अपनी मिसाल आप है। ये जनाब मार्केट है बहावलपुर की, ये रोड है, और माशाल्लाह सफाई के लिहाज से बड़ा बेहतरीन जो सिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त डिवीज़न है।
और ये मार्केटें बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें हैं भावलपुर में। और ये देखें मार्केटें, हर तरह की मार्केटें हैं यहाँ पे। यानी कि आपने ज़रूरियाती ज़िंदगी की जौन सी भी चीज़ें ख़रीदनी है तो आप भावलपुर से खरीद सकते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ का मौसम ठंडा भी हो जाता है सर्दियों में। और यानी कि चार मौसम है यहाँ, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार, मौसम सदा। ठीक है, चार मौसम के साथ ये सिटी अपनी मिसाल। आप ज़रूर जहाँ पे आइए इसका विज़िट कीजिए। ठीक है, विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पार्क भी हैं, नूर महल जैसे नवाबों के शहर में। हम नूर महल भी आएँ, नूर महल देखें, आप भावलपुर म्यूज़ियम आएँ, भावलपुर लाइब्रेरी आएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखें कि इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ पे, क्योंकि इतना रश नहीं है दूसरे सिटी की तरह। तो बड़ी नॉर्मल ट्रैफिक है और बहुत ही अच्छा माहौल है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। ये हम लोग आ गए मिलाद चौक। तो मैं आपको ये सामने जो नज़र आ रहा है ये पार्क है। ठीक है, तो ये जनाब गुलजारे सातक पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है। ये उसका मेन गेट है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये गुलजारे सातक पार्क है, हम आपको अंदर कुछ दिखाते हैं। ये वेलकम टू गुलजार सादिक पार्क, हम लोग पार्क में इंटर हो चुके हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो वाला गेट है। ठीक है, ये देखें लाइट्स लगी हुई हैं, ये पीछे गेट है। तो हम लोग पार्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो असल में रात हो चुकी, तो रात में आपको पता है कि थोड़ा सा फिर जो माहौल होता है वो अंधेरे वाला हो जाता है। ठीक है, अज़ीज़ा ने माना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।